ओके दोस्तों तो लास्ट सेशन में हमने वेबसाइट के फाइनेंशियल्स देखे इन बाउंड आउट बाउंड जो कुछ ख़र्चे हो रहे थे उसके जो एक्सपेंसेस थे और जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था उसमें से कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा था तो ये सारा कुछ हमने एनालाइज किया और डीपली एनालाइज किया अब हम एक्चुअली उस वेबसाइट को देखते हैं उसके कॉन्टेंट की क्वालिटी को भी देखेंगे उसके उसके वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी है उसकी वेबसाइट पे कंटेंट कितना पोस्ट हुआ हुआ है उसकी वेबसाइट की ऑफ पेज किस तरीके से हुई हुई है और ये सारा कुछ हम अभी एनालाइज करेंगे ये याद रखना है कि ये वेबसाइट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हुई हुई है और इस पर कॉन्टेंट भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हुआ हुआ है और अच्छी खासी तगड़ी साइट है तो वंस अगेन ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर को माइंड में रखने की बजाय अगर आप अपना पहला गोल ये सेट करेंगे कि मुझे हंड्रेड डॉलर पर मंथ करना है तो आपका जर्नी ज़्यादा स्मूथ होगा आसान होगा और ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर तक भी इन शाह तुंच जाएंगे और जल्द ही पहुँच जाएंगे ओके okay, तो वेबसाइट जिसको अभी हम फाइनेंशियल देख रहे थे उसका जोर है गार्डन टूल बॉक्स डॉट सी ओ डॉट यू के तो डॉट यू के से हमें पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली exactly सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को बरतानिया को फोकस कर रही है टारगेट कर रही है आपको याद होगा कि एफिलियट मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ यू पर भी पर ही फोकस नहीं रखना और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं जिनमें यू है यूरोप यूरोप में खासकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं अगर नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में आप कंटेंट अरेंज कर सकते हैं कंटेंट राइटर अरेंज कर सकते हैं तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं इसी तरह न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया है अब गल्फ में भी अमेजोन आ, आ चुका है जिसमें यू ए है आ, इसी तरह सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं ओके सो हमें पहले नंबर पर वेबसाइट का बिल्कुल एक सिंपल सा लोगो नज़र आ रहा है गार्डन टूल बॉक्स और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट से स्टार्ट किया गया होगा नेक्स्ट है जी बारबिक्यूज uh, अब आप देख लेंगे पोर्टेबल गैस बारबिक्यू बेस्ट पोर्टेबल चारकोल बार्बिक्यू इसी तरह बार्बिक बार्बिक्यू की एक्सेसरीज बेस्ट कबाब क्यूर फॉर अ सुपर समर बार्बिक्यू जूसी मीट द बेस्ट मरिंडा इंजेक्टर्स फॉर अ प्रोफेशनल बार्बिक्यू बरअल इस तरह से उसने चीज़ों को कवर किया हुआ है नेक्स्ट है पावर बेस्ट पेट्रोल वाटर पंप, बेस्ट सर्विस वाटर पंप, बेस्ट सप्लाई बूस्टर पंप्स, बेस्ट सबमर्सिबल पंप्स फॉर डल्टी वाटर बेस्ट पेट्रोल प्रेशर वॉशर, इस तरह देखें क्या उसने अपनी वेबसाइट के ऑलमोस्ट तमाम पेजेस को अपने मेन्यू के अंदर डाल दिया और उसको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में एक खूबसूरत सा आ, मेगा मेन्यू दे दिया इस तरह नेक्स्ट है केयर जिसके अंदर गार्डन केयर केयर में जो गार्डन गार्डनिंग के, के, गार्ण, के रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं इसी तरह पेस्ट कंट्रोल है वुड केयर है गार्डन क्लॉथ्स हैं पॉन्ड है गार्डन वुड है आगे है फर्नीचर पॉप अप गजीबो गजीबो किस तरह बनाते हैं और उसमें किस तरह का फर्नीचर रिक्वायर होता है तो यहाँ से ना आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये है तो गार्डनिंग से रिलेटेड गार्डनिंग में मज़ीद एक्सेसरीज़ को इसने ना एक्सप्लोर किया है इस तरह जी अदर बेस्ट के शेड बेस्ट पोर्टेबल जनरेटर्स बेस्ट सोलर पैनल्स, सोलर गार्डन लाइट्स समर बेस्ट हॉट टब ऑप्शन अच्छा नेक्स्ट है जी न्यूज एंड टूल्स एंड एट्सेट्रा सो हमें स्टार्ट से ही वेबसाइट के सिर्फ मेन्यू से ही ये पता चला कि ये एक निच साइट है जिसको उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक निज के अंदर अंदर घूमा गुम, है वो आ, जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ मौजूद है अच्छा जी पहले हम देखते हैं लर्न हाउ टू मेक अ डेकिंग फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक डेकिंग बोर्ड एंड जॉय अच्छा अब यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट हमें नज़र आ रहा है इस इस जगह पे इसके नीचे जाते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज बेस्ट प्रेशर वॉशर बेस्ट लीफ ब्लोअर्स एंड वैक्यूम्स बेस्ट स्टीमर्स हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल्स पेट्रोल कार्डलेस स्टीमर्स कंपेयर्ड यू बेस्ट लॉन मूवर्स टेस्टेड अच्छा ये इसने दिया हुआ है नेक्स्ट है जी टूल रिव्यूअर्स बेस्ट कार्डलेस प्लेनर बेस्ट ऑर्बिटल सैंडर बट बेस्ट कार्डलेस राउटर इस तरह लेटेस्ट पोस्ट है जी हाउ टू एड अ फेंस ऑन टॉप ऑफ अ वॉल स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ से हम एक और चीज़ लर्न की कि इसने आ, जो कमर्शियल कॉन्टेंट है और साथ इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट उसको साइड बाई साइड लेके चला इसने सिर्फ इन कमर्शियल कॉन्टेंट पोस्ट नहीं किया बल्कि दूसरी तरह के आ, जो कॉन्टेंट उसको पोस्ट किया नेक्स्ट हमें पता चला कि इसने नीचे एक पूरा मेन्यू दे रखा है जिसमें उसने तमाम ऑलमोस्ट तमाम जो आर्टिकल्स uh, uh, हैं उनको उसने लिस्ट डाउन कर रखा है सो होम पेज हमें इस तरह का नजर आया अच्छा नेक्स्ट हम इस पर साइट का ऑपरेटर लगाते हैं साइट कॉलन और गूगल में देखते हैं कि इसके कितने रिजल्ट ऑलमोस्ट गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं नाइन टू सेवन रिजल्ट ऑलमोस्ट नौ सौ इस वेबसाइट के पेजेस हैं वो इंडेक्स हैं वापस आए वेबसाइट पे हम इसका साइट मैप डॉट एक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या साइट मैप इसका मौजूद है या नहीं है तो बिल्कुल मौजूद है आ, पोस्ट साइट मैप पे जाते हैं योस्ट यूज़ कर रहा है ये पोस्ट साइट मैप पे हम देख रखें टू नाइनटी फाइव यू आर एल्स तो यहाँ से हमें पता चला कि इस पर तकरीबन तीन सौ आर्टिकल्स मौजूद हैं उसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ भी मौजूद हैं न्यूज़ ही हैं तकरीबन दो सौ पचानवे सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं अच्छा इसके बाद हम जाते हैं पेज साइट मैप पे पेज साइट मैप पे थ्री नाइन्टी फाइव एल्स हैं सो so, हमें पता चला कि जो कमर्शियल कॉन्टेंट ये पोस्ट कर रहा है उनको पेजेस में कर रहा है और जो इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट है उनको पोस्ट के अंदर कर रहा है तो तकरीबन तीन सौ वो और चार सौ ये तकरीबन सेवन हंड्रेड आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट पे सेवन हंड्रेड अगर हम इसकी लेंथ एक आर्टिकल की लेंथ फोर थाउजेंड वर्ड्स भी लगाएँ तो आप इसको सेवन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर आप देखेंगे कि कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉन्टेंट पे इसने कर रखी है इस तरह जी टूल्स साइट मैप है टूल्स को इसने अलग से किया हुआ है जिसके थर्टी वन है तकरीबन सेवन थर्टी वन हुए तकरीबन और साथ इसने कैटेगरीज भी डाल रखी हैं एंड एंड ऑल दैट कैटेगरीज कितनी हैं कैटेगरीज दो सौ सैंतीस तो इसने सिर्फ कैटेगरीज बना रखी हैं ओके okay, तो हमें यहाँ से पता चला तकरीबन सेवन हंड्रेड थर्टी आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट पे सेवन थर्टी के आर्टिकल्स का मतलब है कि अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है अब ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर को जहाँ हम देखते हैं तो वहाँ पे हमने एक इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि इसने सेवन हंड्रेड आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं तो अगर आप भी सेवन हंड्रेड आर्टिकल्स इस क्वालिटी के या उस क्वालिटी के जो हमने लर्न की है उस क्वालिटी के प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई आई कैन अश्योर यू कि आप छह हज़ार डॉलर तो नहीं पाँच दस हज़ार डॉलर पर मंथ जरूर कमाने लग जाएंगे सो so, खैर अब ये था अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस वेबसाइट की हमने क्वालिटी थोड़ी देख ली कंटेंट कंटेंट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके का इसने कंटेंट लिखा है बेस्ट प्रेशर वॉशर ओके आ, बेस्ट प्रेशर वॉशर यूके बायर्स गाइड इन बेस्ट प्रेशर वॉशर इसने साथ साथ ये बताया इसने एक कंपेरिजन टेबल डाल रखी है कलर इसके भी बहुत टेरिबल हैं अच्छे नहीं है बट स्टिल इसने यहाँ पे इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है आ, आ, इसकी जो इमेजेस हैं उनको और साथ ही इसने उसके फीचर्स वगैरह दे रखे हैं और साथ इसने प्राइस भी दे रखी है अच्छा प्राइस के बारे में मैंने आपको मना किया था लेकिन आ, आपने प्राइस नहीं देनी इसका ख्याल रखना अच्छा इस तरह उसने डिफ़रेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रिव्यू किया है टॉप पे ही और आगे चल के उसने बाइंग गाइड टाइप उसने यहाँ पर दे दी अच्छा जी अब इसने आ, बेस्ट चीप कोल्ड वाटर प्रेशर वॉशर अंडर वन हंड्रेड पाउंड इसने यहाँ प्रोज एंड कॉन्स और सब कुछ यहाँ पे दिया है तो अब इसकी लेंथ देख लें कि अच्छी खासी एक आर्टिकल की लेंथ है और मे बी ये कोई पाँच सात हज़ार वर्ड से भी पाँच सात हज़ार वर्ड से भी ज़्यादा पर ये आर्टिकल मुश्तमिल हो तो खैर अब इस तरह आप देख लें कि इसने अपनी वेबसाइट में मेहनत कितनी की है मैं मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि अगर मैं ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर पर मंथ तक पहुंचना चाहता हूं अफिलियट मार्केटिंग की वेबसाइट में तो मुझे किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा ये भी आपके माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए अच्छा जी अब जाते हैं हम ए एच आर ई एफ एस में यहाँ पर हम साइट एक्सप्लोर में अपने वेबसाइट का यू पुट किया अच्छा अब यहाँ से हमें नज़र आया डी आर एस का सिक्सटी वन दैट इज़ ऑलसो ह्यूज़ सिक्सटी वन इसकी रेटिंग है तो इसका मतलब है कि इसकी जो बैकलिंग प्रोफाइल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है मैंने आपको बताया था ज्यादा डी आर होने का मतलब ये है कि उसकी बैकलिंग प्रोफाइल बहुत स्ट्रोंग है अगर वो कंप्रोमाइज करके डी आर नहीं बढ़ाया गया तो खैर दो, दो नंबर थ्री के भी होते हैं डी आर बढ़ाने के कोई फायदा नहीं है बैकलिंग थर्टीन पॉइंट थ्री के हैं टू थाउजेंड इसकी रेफरिंग डोमेन्स डोम दैट इज ऑल्सो ह्यूज नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स ऑर्गेनिक कीवर्ड्स तकरीबन एक लाख छब्बीस हज़ार हैं अब इमेजिन करें कि एक लाख छब्बीस हज़ार ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हों तो क्यों ना वेबसाइट इतना ज़्यादा जनरेट करे ऑर्गेनिक ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू एच वो है तीन लाख पचपन हज़ार ओके रेफरिंग डोमेन्स आप देख लें कि यहाँ से उसने आ, अच्छा इसने एक्सपायर डोमेन ली थी हमें और भी यहाँ से एक चीज़ आइडिया हुई कि जनवरी के अंदर जब इसने वेबसाइट स्टार्ट की तो उस वक्त वो वेबसाइट एक्सपायर्ड डोमेन पर मुश्तमिल थी ठीक है

कि हो सकता है मैंने अभी तक नहीं देखा हो सकता है ये जो शर्ट लैंड म्यूजियम डॉट ओ आर जी डॉट यू के है ये एक डोमेन हो जिसको इसने रीडायरेक्ट किया हो इस मेन डोमेन पे या री डरेक्ट करके उसकी जो अथॉरिटी है उससे भी बेनिफिट ले रहा हो खैर ये ऑफ पेज है इसके अंदर इसने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर रखी होगी ऑर्गेनिक सर्च पे आते हैं अब ये देखें कि इसकी जो ट्रैफिक है वो ग्रेजुअली यहाँ से इंक्रीज़ हुई 2021 में ये पीक पे थी सताइसी हज़ार उसके बाद इसको मे बी हिट लगी डाउन हुई मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन की अपडेट इसको लगी उसके बाद ट्रैफिक बारह हज़ार रुपये आ गई एटी सेवन थाउजेंड से अब इसने पाकिस्तानियों की तरह दिल नहीं छोड़ा इसने ये नहीं कहा लुट गए बर्बाद हो गए बस कहानी ख़त्म हो गई आगे नहीं बढ़ सकते बल्कि इसने उसको कंटिन्यू किया उसमें इसको तकरीबन छः माह लग गए रिकवर करने में देखें लेकिन जब उसको फिर बूस्ट मिला तो ये अब ऊपर के ऊपर ही गया अब आप देख लें कि ये ट्वेंटी टू थाउजेंड डॉलर पर मंथ तक पहुंच गया और इस तरह इसने तकरीबन वन मिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हुआ यहाँ से कुछ लर्निंग हो रही है हमें उसको हमने अपने जो सबक मिल रहे हैं उसको हमने याद रखना है किसने इसने एक्सपायर्ड डोमेन भी खरीदी जो कि तगड़ी होगी किसी म्यूजियम की थी वो इसने अपने ऑफ पेज का पार्ट बनाया उसके बाद इसको हिट भी लगी हिट को इसने कैसे आ, टैकल किया इसने जो जो बैकलिंग्स आ रहे थे उनको हटवाया क्यों यहाँ पे आप देखो ना अगर मैं वापस चलूँ बैकलिंग पर ये देखो ये वही टाइम है मे का जब इसने इसके बैकलिंग्स लॉस्ट हुए और देन इसने ग्रेजुअली उसको आगे लेके गया ठीक है अच्छा जी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस वक्त राइट नाउ तकरीबन तीन हजार सौ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि टॉप थ्री पोजिशन पे हैं इतना बड़ा नंबर है जिसपे ये नंबर वन टू नंबर थ्री रैंक कर रहा है इस तरह नंबर फोर टू नंबर टेन पे टेन थाउजेंड की हैं और ग्यारह से सौ तक तो तकरीबन एक लाख से भी ज्यादा की मौजूद हैं ओके okay, फॉक्स uh, इसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग कीवर्ड है इस तरह फॉक्स रिपेलेंट पॉप अप गैजिबो विद स्लाइड्स कैंटिलीवर पैरासोल पेट फ्रेंडली वीड किलर एंड ऑल दैट ये सारा कुछ पे मौजूद है बहरहाल बैकलिंग में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इतनी डाइवर्स इसकी बैकलिंग प्रोफाइल होगी कि उसको एक्सप्लोर करना हमारे लिए एक हैक्टिक बात होगी तो बहरहाल इसमें भी आपने वैसे स्टार्ट लेना है जैसे हमने अपने ऑफ पेज के टाइम पे लिया था कि आपने स्टार्ट करना है स्टार्ट लेना है आपने आ, जब इसने पहला पहला बैकलिंग बनाया ग्रेजुअली अनालते करते 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 आपने फिर उसको लिस्ट डाउन करना है कि इसने कौन से गेस्ट पोस्ट लग रहे हैं कौन से आपको निशेडेड लग रहे हैं कौन से फोरम के बैक लिंक्स लग रहे हैं और उनको आपने अलग अलग आ, लिस्ट डाउन करने के बाद उनको रेप्लीकेट करने की कोशिश करनी है एग्जैक्टली exactly लिंक नहीं लगाना लेकिन उस तरह की उस क्वालिटी के लिंक्स को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है और अपने लिए भी बैक लिंक लेने की कोशिश करनी है तो खैर वापस वेबसाइट पे आते हैं तो हमने ओवरऑल एक केस स्टडी देखी कि एक वेबसाइट जनवरी 2019 में स्टार्ट होती है पांच महीने में वो कुछ भी जनरेट नहीं करती एक साल बल्कि तकरीबन चौदह महीने के बाद वो ब्रेक इवन पे पहुंचती है जितनी उसने स्पेंडिंग स्पेंडिंग कर रहा है पर मंथ अभी तो उसने पीछे खर्चा कर रहा था वो पूरा नहीं हुआ था जितनी वो स्पेंडिंग कर रहा है उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है फोर्टीन मंथ के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि उसने पहला साल तकरीबन खसारा किया अगले साल में तकरीबन सेवेंटी थाउजेंड डॉलर बल्कि इससे भी कम जनरेट किए ट्वेंटी ट्वेंटी वन में उसने सेवेंटी थाउजेंड डॉलर जनरेट किए और उसके बाद दो हज़ार बाईस में आके उसने एक लाख पच्चीस हजार डॉलर जनरेट किए और देन देन उसने जो वो, आ, वो उसकी वेबसाइट है वो तकरीबन छः सात लाख डॉलर या इससे भी ज़्यादा अमाउंट पे उसने सेल आउट की तो बहरहाल अब यहाँ से लर्निंग आउटकम क्या हुई कि अच्छा कॉन्टेंट ज्यादा कॉन्टेंट और प्रॉपर ऑफ पेज हमें टोटल आउटकम ये है अगर ये तीन चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होंगी तो हम इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो रेप्लीकेट कर सकते हैं चलें हमारे पास इतना बजट नहीं है इतना कुछ नहीं है लेकिन हम बीस हजार डॉलर पर मंथ की बजाय दो हजार डॉलर पर मंथ पे तो जरूर पहुंच सकते हैं ना तो अगर दो हजार डॉलर पर मंथ जनरेट करें तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन साठ से अस्सी हजार डॉलर या बल्कि नब्बे हजार डॉलर का एसेट है नबे हजार डॉलर का मतलब है कि तकरीबन दो करोड़ रुपए तो मैं आपको अगेन ये बता रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा नहीं देते हम बीस हजार डॉलर पर अटैम्प्ट नहीं करते लेकिन हम दो हज़ार डॉलर पर मंथ पे पहुंचने के अटैम्प्ट जरूर कर सकते हैं ताकि दो तीन साल के अंदर हम और नहीं तो तकरीबन दो एक करोड़ जरूर कमा लें बहरहाल अगेन ये जो फील्ड है ये पेशेंस की फील्ड है लेकिन इसमें जितना आउटपुट आपको मिलने की उम्मीद है वो आपको ट्रेडिशनल जॉब्स में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिले